दिल्ली से बड़ी खबर आज की, जहां असदुद्दीन ओवैसी के घर के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट पर काली स्याही पोती गई। दिल्ली पुलिस सीसीटीवी देखकर आरोपी की पहचान में जुटी है। पुलिस ने अब नेम प्लेट को साफ कर दिया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी जो कि सांसद हैं, उनकी नेम प्लेट पर काली पोत दी थी किसी ने, जिसे पुलिस ने साफ कर दिया है। और अब सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस उस शख्स की पहचान के लिए जिसने ये करतूत की है। दरअसल कल ओवैसी ने पार्लियामेंट में ओथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन जैसा विवादित बयान दिया था, जिसके बाद विपक्ष ने तो सवाल उठाए ही थे, कई लोगों ने भी सवाल उठाया था ओवैसी की इस बयानबाजी पर। और आज उनकी नेम प्लेट पर काली स्याही पुती हुई दिखी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है ताकि उस शख्स तक पहुंचा जा सके। इस बीच पुलिस ने ही नेम प्लेट को साफ भी किया। नीट विवाद पर संसद में जवाब देंगे शिक्षा मंत्री, नीट पर संसद में जवाब देगी सरकार। शिक्षा मंत्री ये कमान संभालेंगे, धर्मेंद्र प्रधान ही जवाब देंगे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि नीट के मसले पर कल विपक्ष का गठबंधन सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है। रणनीति बना ली गई है और इस मसले पर सरकार की ओर से जवाब देने की कमान संभालेंगे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। तो कल वो जवाब देंगे, सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर INDIA ब्लॉक की बैठक हुई और कल संसद में कार्यवाही के दौरान जो रणनीति अपनाई जानी है विपक्ष की ओर से, उसी पर आज चर्चा हुई है। संसद में नीट का मुद्दा उठाने की तैयारी कर ली है विपक्ष ने। संसद के दोनों सदन में नीट पर चर्चा की मांग विपक्ष की ओर से की जाएगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। नीट एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, सरकार को घेरे हुए है, और कल सदन में भी ये मुद्दा उछलेगा दोनों ही सदनों में। उधर लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित हुआ MSME के तहत लोन वितरण का कार्यक्रम, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी शिरकत करने पहुंचे और इस कार्यक्रम के जरिए 20,000 करोड़ का लोन उन्होंने वितरित किया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है कि MSME मजबूत हो। उन्होंने कहा कि यूपी पर प्रकृति का आशीर्वाद है, यहां अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के हस्तशिल्प उत्पाद बन रहे हैं और इस तरह से उत्तर प्रदेश में माहौल भी सरकार की ओर से सुरक्षित बनाया जा रहा है निवेश के लिए। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2017 में जो प्रयास प्रारंभ किए, आज उसे देखते हुए हम कह सकते हैं कि MSME सेक्टर उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ एक उभरता हुआ क्षेत्र है। 2017 के बाद से सरकार ने समय समय पर जो कार्य प्रारंभ किए, अपनी परंपरागत उत्पाद को, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की उस हुनर को न केवल देश के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर एक मंच प्रदान करने के लिए जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से, पीएम विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, अन्य अनेक योजनाओं के माध्यम से, इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से उत्तर प्रदेश के उत्पाद को शोकेसिंग करने का भी एक अवसर इस दौरान हम सबको प्राप्त हुआ। भीषण गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, सड़क पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को अब परेशान नहीं होना होगा, क्योंकि यूपी सरकार ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों को AC हेलमेट पहनाया है। कैसा है ये हेलमेट, दिखाते हैं आपको। AC वाला हेलमेट, जी हाँ, अगर आप बाइक चलाते हैं तो सोचिए अगर AC वाला हेलमेट आपके पास हो तो भीषण गर्मी में आपको कितनी राहत मिलेगी। यूपी पुलिस ने अपने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को AC वाला हेलमेट देकर उन्हें चिलचिलाती धूप और कड़कती ठंड से बचने के लिए बेहतरीन तरीका अपनाया है। लखनऊ में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसकी शुरुआत की, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को AC वाला हेलमेट पहनाया। तो भीषण
गर्मी होती है, लू चल रहा होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। ये हेलमेट विशेष रूप से गर्मी और धूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन हेलमेट्स में कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है जिससे पुलिसकर्मी लंबे समय तक आरामदायक स्थिति में काम कर सकेंगे। इस हेलमेट में जहां एक मोटर लगी है वहीं सिर के पास पंखा है, आंखों के पास एक ट्रांसपेरेंट कवर है। गर्मी में अपना कार्य करते हैं तो उनको देखते हुए, उनकी कठिनाइयां को देखते हुए हम लोगों ने ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया। CSR के माध्यम से हमें एक कंपनी ने ये AC हेलमेट दिया जिसे हैदराबाद की कंपनी ने बनाया। बेसिकली इसमें टेक्नोलॉजी अगर आप यहाँ पे दिखाएंगे, ये बैटरी है इसका, अगर इसको एक बार फुल चार्ज करते हैं तो 8 घंटा इसका बैकअप है। और इसको ऑन करने के लिए सीधे आपने ये ऑन कर दिया, इसमें से आपको ये हवा आने लगी तो ये गर्मी में भी काम करेगा। ठंड में इसमें हीटिंग टेक्नोलॉजी भी है, इसको थोड़ी देर तक प्रेस करेंगे तो ये बटन ऑन हो गया, इसमें से गर्म हवा आने लगती है। तो ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी बनाई गई है। इस खास हेलमेट का निर्माण हैदराबाद की एक कंपनी ने किया है। एक हेलमेट की कीमत करीब 12 से 16 हजार रुपए बताई जा रही है। इसमें लगी बैटरी एक बार चार्ज करने पर करीब 8 घंटे तक चलती है। इस बैटरी को कैसे चार्ज करेंगे उसके पर? इसके लिए चार्जर अडाप्टर है, सिंपल अडाप्टर। एक बार कितनी देर चार्ज करने पे कितनी देर चलता है? अगर फुल चार्ज कर लेते हैं तो 8 घंटे चलता है। तो ये मान के चले कि जो ड्यूटी टाइमिंग्स है उस दौरान ये पूरा काम करेगा? बिल्कुल बिल्कुल ये काम करेगा। तो यहाँ क्या आपने उस कंपनी को कैसे अप्रोच किया कुछ? अगर बेसिकली ये कंपनी को मतलब जो गर्मी अप्रोच कर रहा था, तब हम लोगों ने डेमो के रूप में लगभग 5 से 7 हेलमेट मांगे थे। हमारे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने उसे यूज़ किया, उनका संतोषजनक रिस्पांस रहा, फीडबैक। आपको बता दें कि सबसे पहले कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में चौराहों पर ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए AC हेलमेट पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिया गया था। इसके बाद लखनऊ में इसका ट्रायल किया गया और अब इसे ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया है। कानपुर पुलिस की एक नई पहल थी जो आज जमीन पर देखने को मिल रही है। वो संवेदनशील होंगे जनता के प्रति और खुद वो सुरक्षित भी रहेंगे। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। इधर एक बार फिर आगरा विकास प्राधिकरण का बुलडोजर गर्जा है। अवैध रूप से बनाई गई कॉलोनी ध्वस्त कर दी गई। मामला छत्ता वार्ड के फिरोजाबाद रोड का है जहां अथॉरिटी से बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से 25,000 वर्ग मीटर में कॉलोनी का निर्माण चल रहा था। नोटिस का जवाब नहीं मिलने के बाद अथॉरिटी की ओर से यह एक्शन लिया गया। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर जिलाधिकारी के आदेश पर बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। बिलासपुर गांव में अवैध निर्माण तोड़े गए, मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद रही। तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा सड़क किनारे अवैध कब्जा हो रखा था जिसे हटाया गया। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर अथॉरिटी ने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर वाला एक्शन लिया है। नोएडा, आगरा, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर सरकार की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके निर्माण कर दिया गया था। कहीं कॉलोनी बसा दी गई थी तो कहीं दुकान बनाए गए थे। इन सभी जगहों पर प्रशासन ने एक्शन लिया है। खबर प्रयागराज से, जहां यमुना पार इलाके में ग्राम प्रधान पर दबंगई के आरोप लगे हैं। अवैध कब्जा रोकने पहुंची वन विभाग कर्मचारियों को धमकी देने का आरोप है। वन कर्मियों को ग्राम प्रधान ने 5 मिनट में वर्दी उतार देने की धमकी भी दी है। प्रधान की धमकी देने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। अब वन विभाग की ओर से ग्राम प्रधान के खिलाफ केस भी दर्ज करवाया गया है। मेजा थाना क्षेत्र के कुर्की कला गाँव का ये मामला।
नहीं दोगे तो आरटी पास में करवा देंगे। नोटिस तो नोटिस विभाग में कैसे बना तुमने मकतरी किया? हां कैसे कैसे किया तुमने वहां एकर टर्मिन दे कैसे कैसे। खबर महाराजगंज से, जहां पानी की टंकी पर एक युवती जा चढ़ी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मौके पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इस युवती ने बताया कि ससुराल पक्ष दहेज की मांग कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम पहुंची, कार्रवाई का भरोसा देने के बाद उस लड़की को टंकी से उतारा गया। उधर महोबा में आकाशीय बिजली के चपेट में आने से दो चरवाहों की मौत हो गई। घटना चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुढ़ा गांव की है। आकाशीय बिजली का कहर यहां देखने को मिला। उधर कानपुर में बकरा चोर गिरोह को लोगों ने पकड़ लिया, पुलिस के हवाले किया। रात के वक्त शातिर सक्रिय थे और इसी दौरान गांव वालों ने इनका पीछा कर इन्हें पकड़ लिया। इसके बाद गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने कार को कब्जे में लिया। सुंदरपुर गांव का ये मामला है। खबर अंबेडकर नगर से, जहां धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहे आरोपी के घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस लगाया है। एएनएम कोर्स में प्रवेश के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप है। शातिर लंबे वक्त से फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आलापुर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर समेत फोर्स तैनात रही। इधर हाथरस में बीएसए कार्यालय का बाबू घूस लेते गिरफ्तार हुआ। विजिलेंस टीम ने आरोपी को आगरा ले गई अपने साथ। टीचर से 30,000 रुपए की घूस लेने का इस पर आरोप है। शिकायत के आधार पर टीम ने यह एक्शन लिया। मेरठ पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो पश्चिमी यूपी में आर्म्स सप्लाई करता था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई अन्य फरार हैं। इनकी तलाश चल रही है। 50 से ज्यादा कारतूस बरामद किए गए, साथ ही 3 अवैध तमंचे भी मिले हैं। थाना परतापुर पुलिस को ये कामयाबी मिली है। देखिए, अभी जैसा आपने देखा पूर्व में जो घटनाएं हो रही थी, उसमें अवैध शस्त्रों का इस्तेमाल किया गया था। तो हमारी एक इसमें हमने एक अभियान चलाया था, जिसमें कि जो कारतूस कहाँ से आ रहे हैं उसके पता लगाने के लिए। इसी क्रम में जो थाना परतापुर पुलिस है, आज इन्होंने 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक का नाम प्रिंस खन्ना है, इसके पास से 315 बोर के 32 बोर के एक पिस्टल और 20 कारतूस मिले हैं। तथा मोहित और आदित्य नाम के 2 व्यक्ति हिरासत में लिए गए, जिनके पास से 315 बोर के 2 तमंचे और 15 कारतूस मिले। तो 315 बोर के जो कारतूस हमें मिले वो कंट्री मेड दिख रहे हैं। इनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने कुछ लोगों का नाम लिया है, उसमें एक व्यक्ति वांछित है भी, उसका हमें तलाश कर रहे हैं। मथुरा में 25 जून को बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब इस घटना का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि मृतक बाइक से गिर रहा है। फिलहाल आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस ने 5 टीम का गठन किया है। मामला थाना छाता क्षेत्र का है। सिद्धार्थनगर से बड़ी खबर, बांसी तहसील में लेखपाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगा है। पीड़ित के साथ मारपीट का भी आरोप लगा। पैमाइश के नाम पर लेखपाल ने 20,000 की घूस मांगी थी। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी है। बारह जुलाई को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी है। शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और शादी के कार्ड बांटे जा रहे हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की वेडिंग कार्ड सामने आ चुकी है। शादी के कार्ड की क्या खासियत है, दिखाते हैं आपको। ऑलराइट, सो लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर। वी हैव दिस ब्यूटीफुल वेडिंग इनवाइट विद कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम मिस्टर एंड मिसेस अंबानी। लेट्स गो अहेड एंड अनबॉक्स दिस एंड सी व्हाट्स देयर इन इट। ओके, सो वी आर ग्रीटेड विद दिस बिग ऑरेंज बॉक्स विच इज सो ब्यूटिफुल। इट हैज दिस लवली इमेज ऑफ लॉर्ड विष्णु राइट हियर ऑन टॉप विद, आई थिंक इफ यू लुक अ बिट क्लोजली, वी हैव गॉडेस लक्ष्मी रिजाइडिंग इन हिज हार्ट विद विष्णु श्लोक रिटन ऑल ओवर दिस बॉक्स। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड दिस ब्यूटिफुल बॉक्स। वाओ, टेक अ लुक एट दैट। Such a lovely embroidery that's been done. I think that is what you call the Vaikunth, the place of residence of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. And I can also hear the Vishnu mantra as I open this box.
So now let's see, there's this golden book here that we have with this idol here.